सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू GCNYT। एंड हम सभी ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है ना, तो हमको उसकी डुप्लीकेट कॉपी ये सब ज़रूर देखने को मिलती है। तो ये सेम केस जो है हर जगह पर लागू होता है, कोई एक प्रोडक्ट हुआ या कोई एक कंपनी क्यों ना हो गई, तो ये सारी जगह पर ये चीज़ चलती ही है। एंड यहाँ पर जो है ना, हमारे गेम्स में भी होता है, काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो उनके जैसे हमको दूसरी जो है कॉपी गेम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। नेटीज से आप समझ सकते हैं, नेटीज हुआ, गेम लोफ्ट, ये सब का सेम यही कॉन्सेप्ट पर चलता है, ये सब यही करते हैं। बाकी हाँ, आज की हमारी जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको ना टॉप 5 ऑफलाइन कॉपी ऑफ पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स बताने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में आपको 5 ऐसी ऑफलाइन कॉपी बताऊंगा ना ऑनलाइन गेम्स की, जो कि काफ़ी मतलब बहुत हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मैं आपको सभी गेम्स के बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो में ना हम सबसे पहले फोर्टनाइट के फैनमेड गेम की बात करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फोर्टनाइट एक ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है। इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर ना हो, पर बाहर की कंट्रीज़ में ना फोर्टनाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये जो है ना, फोर्टनाइट का ही एक फैनमेड गेम है, जिसको कि आप ऑफलाइन में खेल सकते हैं। अभी ऐसे प्ले स्टोर यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, आपको इनको जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक आपको सभी की कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँ। बाकी ये ना बहुत हद तक नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉपी करा गया है। फोर्टनाइट जैसा पूरा तो नहीं मिलेगा, मतलब मैप ये सब आपको, मोड्स ये सब सारे नहीं मिलेंगे, पर हाँ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गेम के अंदर में ना फोर्टनाइट से ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, हमारा जो फोर्थ गेम है ना, ये है शेडो फाइट 3 की कॉपी, जो कि है शेड्स शेडो फाइट। तो आप लोग बोलेंगे, अबे यार ये तो शेडो फाइट 3 जैसा कम, शेडो फाइट 2 जैसा ज़्यादा दिख रहा है। तो आप लोग सही बोल रहे हैं, दिखने के मामले में ये शेडो फाइट 2 जैसा ही है, पर जब आप इस गेम को प्ले करेंगे ना, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप शेडो फाइट 3 को एक बार प्ले करना, और शेडो फाइट ये जो शेड्स वाला है ना, इसको प्ले करना। देन आप समझ जाएंगे कि दोनों में जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। बस हाँ, सामने से विजुअली जो है ना, वो देखने को मिल रहा है हमको। बाकी अगर इनके डेवलपर्स ना ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनको ब्लैक ना रखते हुए जैसे शेडो फाइट 3 में दिखते ना कैरेक्टर, वैसे रखते ना, तो आप बहुत ही ऐसा कह सकते थे कि पूरा प्योर कॉपी आपको देखने को मिलता। क्योंकि है ना, इसमें सारी वही चीज़ें कॉपी करी गई है जो कि शेडो फाइट 3 में थी। यानी कैरेक्टर मूवमेंट से मतलब जो होगा, या मूव्स ये सब हुए, इन सब चीज़ों की वजह से ना, अगर आप शेडो फाइट 3 जैसा एक ऑफलाइन कॉपी हम इस गेम को बोले तो गलत नहीं होगा। वैसे हाँ, हमारा जो थर्ड गेम है ना, जो कि है टर्बो लीग, ये पूरा का पूरा आपको रॉकेट लीग का ही एक ऑफलाइन वर्जन देखने को मिलेगा। अब ऐसे तो मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आप जाकर देखेंगे ना, तो जो रॉकेट लीग है ना, वो मतलब हमारा गेम अभी लेटेस्ट ही लॉन्च से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर में ही लॉन्च हुआ है वो गेम। बाकी ये जो टर्बो लीग है, ये बहुत पहले से आया है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो रॉकेट लीग है ना, उसका मोबाइल वर्जन नहीं आया था, पर वो PC पर बहुत पहले आ चुका था। एंड उसी का कॉपी करके टर्बो लीग बना। एंड ये जो है ना, ये एक ऑफलाइन गेम है, जिसके अंदर में आप जो रहते हैं ना, आपको एक कार को कंट्रोल करना रहता है, और डिफरेंट स्पोर्ट्स को परफॉर्म करना रहता है। ये इस टाइप के गेम बहुत अच्छे रहते हैं, खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैंने इस गेम के ऊपर में एक वीडियो भी बनाई है अपने सेकेंड चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कितना हद तक इनके डेवलपर्स ने रॉकेट लीग की कॉपी करी है। अब हमारे इस गेम का तो एक खतरनाक ही इंसिडेंट हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये गेम है कॉम्बैट मास्टर। अब कॉम्बैट मास्टर है ना, ये इतना अच्छे से कॉपी करा गया था ना कॉल ऑफ ड्यूटी को, इतना अच्छे से कॉपी करा गया था ना कि आप मानेंगे नहीं। ये गेम जब लॉन्च हुआ था ना फर्स्ट टाइम, तो 2 या 3 दिन के अंदर में ही इसके ऊपर में एक्टिविजन, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी के मेन ओनर हैं या डेवलपर्स हम कहेंगे, उन्होंने इस गेम पर कॉपीराइट मार के इसको हटा दिया था प्ले स्टोर से। बाकी फिर तो उन्होंने कैसे इस गेम को लेकर आया मुझे नहीं पता है, पर अभी आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इनके डेवलपर्स ने तो बिल्कुल सबको हैरान कर दिया था जब इस गेम को इन्होंने ऑफलाइन भी कहा तब। मतलब आप देख सकते हैं, इस लेवल का गेम हमको ऑफलाइन में तो मिलता है ही नहीं, पर ये गेम हमको ऑफलाइन में देखने को मिलता है। एंड अभी सबसे बेस्ट फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है अभी मोबाइल पर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पॉपुलर गेम्स की बात करें और वहाँ पर पबजी ना हो। पबजी ने तो मतलब मोबाइल की गेमिंग को इतना पीक पे लेके गया था ना कि क्या बताएं। अब उसके जैसा कॉपी गेम ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ, उसका कॉपी गेम है मोबाइल पर, वो भी ऑफलाइन में, उसका नाम है सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड्स।
अब ये जो सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड गेम है ना, ये शुरू शुरू में जब आया था ना तब इसका नाम था फ्री सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड, और उस टाइम पे ना इसमें सिर्फ एक जो पबजी का पोचिंग की इलाका है ना वही देखने को मिलता था, एंड पूरा ही कॉपी करा गया था, मतलब इतना परफेक्ट कॉपी करा गया था ना कि आप देख के बताते। बाकी हाँ, अब तो गेम में बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं, नाम भी चेंज कर दिया इसका, एक सेकेंड पार्ट भी निकाल दिया डेवलपर्स ने, एंड इस गेम के अंदर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर दी है डेवलपर्स ने, खुद से भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, नई नई अलग अलग तरीके की कार्स ये सब डाली है, लोकेशन डाली है, प्लेन भी खुद का डाल दिया, तो अभी तो काफ़ी कुछ वो हो गया। पर कॉपी के मामले में बोलूँ ना तो बहुत ही प्योर कॉपी थी ये भी पबजी की। बाकी यही था वीडियो के लिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।